हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पिता। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। और दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि खांसी में, स्पेशली बच्चों को अगर खांसी या कॉफ हो रहा है तो कौन सी मेडिसिन से हमें शुरू करनी है, कैसे दवाइयाँ देनी है, इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूले। अब आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं लाइव कंसल्टेशन के दौरान, और अपने क्वेश्चंस मेरे से लाइव चैटिंग के थ्रू आप पूछ सकते हैं। इसके लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इसे ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बच्चों में खांसी या कॉफ और होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन से हमें ऐसे केस में शुरू करना है और कौन से सिम्टम्स में हमें कौन सी दवा देनी है। तो दोस्तों, खांसी जो है वो क्यों होती है, तो खांसी बॉडी का एक रिफ्लेक्स एक्शन है। यानी कि अगर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई भी फॉरेन बॉडी आ गया है तो बॉडी उसको एक्सपेल करने के लिए, उसको शरीर से निकालने के लिए कफिंग का रिफ्लेक्स होता है, या कॉफ के द्वारा जो वो फॉरेन पार्टिकल है या फॉरेन सब्सटेंस है उसको शरीर निकालता है। आज हम बात करेंगे कि अगर बच्चों को खांसी हो रही है तो कौन से मेडिसिन से हमें शुरू करना चाहिए और किस प्रकार के हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे मेडिसिन के नाम लिखे हैं। तो आज मैं बताऊँगी कि किस मेडिसिन से हम लोगों को शुरू करना होता है और क्या सिम्टम्स हमें एक्सपेक्टेड होते हैं और किस सिम्टम में हमें कौन सी दवा देनी होती है। तो सबसे पहले बच्चों के खांसी में जो मेडिसिन से हमें शुरू करना है वो है स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिया में हम क्या देखते हैं, जो खांसी होती है बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, बार्किंग टाइप की कॉफ होती है, और इसमें हम देखते हैं कि कुछ भी जब पानी पी ले तो बेटर फील होता है। पूरे म्यूकस मेम्ब्रेन में ड्राइनेस हो जाती है और बच्चे को अगर आप पानी पिला देते हैं तो खांसी में आराम हो जाता है। तो अगर इस तरह की खांसी है तो स्पॉन्जिया मेडिसिन आपको देनी है। 30 पोटेंसी में आप दे सकते हैं, 5-5 गोली दिन में 3 बार करके आप इसको 4-5 दिन या 1 हफ्ते तक इस मेडिसिन को आप दे सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन है वो है र्यूमिक्स। अब र्यूमिक्स हमारी खांसी की एक बहुत अच्छी दवा है। र्यूमिक्स में हम देखते हैं कि गले में खिचखिच हो रही है, हमेशा एक टिकल फील होता है थ्रोट में, और ये जो टिकल फील हो रहा है इसके साथ साथ खांसी, ठंडी हवा में जो खांसी होगी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी बाहर गए अगर हवा ठंडी चल रही है तो उसमें खांसी एकदम से बढ़ जाएगी। तो थ्रोट में अगर गले में खिचखिच की फीलिंग है, ठंडे हवा से खांसी बढ़ती है, तो र्यूमिक्स को भी 30 पोटेंसी में देना है, 5-5 गोली दिन में 3 बार करके आप हफ्ते भर तक के लिए दे सकते हैं, जिससे खांसी में काफ़ी बेटर फील हो सकता है। दोस्तों, अगली हमारी दवा है एंटिम टार्ट। अब एंटिम टार्ट में हम क्या देखते हैं कि छाती में पूरा बलगम भरा हुआ है और बहुत ज़्यादा बलगम पूरे चेस्ट में है। जब बच्चा खांसता है तो घड़घड़ की आवाज़ आती है, तो पूरा जो चेस्ट है वो फुल ऑफ म्यूकस है, फुल ऑफ फ्लेम है, और जनरली जब खांसी थोड़ी पुरानी हो जाती है तब हमें एंटिम टार्ट में हमें आना होता है। इनिशियली हम स्पॉन्जिया और र्यूमिक्स पे जा सकते हैं जब खांसी थोड़ी पुरानी हो गई और पूरे छाती में बलगम भर गया है, घड़घड़ घड़घड़ की आवाज़ आ रही है, तो ऐसे में एंटिम टार्ट देनी है। लाउड रैटलिंग एंड लॉट ऑफ फ्लेम, बहुत सारा बलगम जमा हुआ है, 30 पोटेंसी में देंगे, 5-5 गोली दिन में 3 बार करके। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है काली बाइक्रोमिकम। अब ये जो काली बाइक्रोमिकम है इसमें क्या होता है, एक तो छाती में दर्द होता है, स्टर्नम में दर्द होता है, छाती के बीचों बीच दर्द होता है, और जो बलगम है वो निकलता नहीं है, वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, बहुत ज़्यादा एकदम से स्ट्रिंगी होता है, और बलगम निकालने में बहुत दिक्कत होती है। तो रोपी, अगर आपका जो बलगम है वो रोपी है, तो जैसे इसमें लिखा है स्ट्रिंगी रोपी डिस्चार्ज, तो इस तरह का अगर स्ट्रिंगी डिस्चार्ज है वो ईजिली निकलता नहीं है, बलगम निकलता नहीं है, बच्चा खांसता है पर बलगम निकाल नहीं पाता है, तो ऐसे में काली बाइक्रोमिकम दवा बहुत अच्छी है। काली बाइक्रोमिकम दवा बड़ों के केस में भी दे सकते हैं। एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर नेजल ड्रिपिंग, गले के पीछे बलगम गिरता है, तो ऐसे में भी काली बाइक्रोमिकम मेडिसिन बहुत अच्छी है, 30 पोटेंसी में इसको ले सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है ब्रायनिया। ब्रायनिया में हम क्या देखते हैं, सूखी खांसी, और ऐसा लगता है कि जो खांसी है वो
पेट में से या छाती में से आ रही है, बिल्कुल सूखी खांसी होती है और पेशेंट को प्यास बहुत लगती है, पेशेंट खूब सारा पानी पीता है। इसके साथ साथ कब्जी या कॉन्स्टिपेशन की भी हमें शिकायत मिल सकती है। ब्रायनिया में क्या होगा कि जब भी मूव करे पेशेंट तो खांसी बढ़ जाती है, किसी प्रकार के भी मूवमेंट से कंडीशन एग्रवेट हो जाती है, खांसी भी बढ़ सकती है, तो ऐसे में ब्रायनिया मेडिसिन दे सकते हैं। तो अगर सूखी खांसी है और पानी की प्यास बहुत ज़्यादा है और अगर कब्जी भी साथ में हो तो ब्रायनिया मेडिसिन हमारी बहुत अच्छा आपको मदद कर सकती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है इपिकैक। अब ये जो इपिकैक दवा है ये भी बड़ी अच्छी दवा है खांसी में, एंड इवन बच्चों में अगर अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, एस्मा की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे में भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। जो इपिकैक मेडिसिन है उसमें एक हमें सिम्टम देखने को मिलता है और वो है ये कि नौजिया, उपकाई आना और साथ में वॉमिटिंग भी हो जाना। तो कभी कभी पेरेंट्स ऐसा बताते हैं आकर कि बच्चे ने खांसते खांसते पूरी उल्टी कर दी, जो भी खाना खाया था सब निकाल दिया, उल्टी कर दी। तो ऐसे में जो इपिकैक मेडिसिन है ये बहुत अच्छी है। इसमें हम एलर्जिक कफ, इसके साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नौसिया और चेस्ट में एक रैटल होना, और इसके साथ साथ अगर लगे कि अस्थमा के टूवर्ड्स जा रहा है, सांस फूल रही है, सांस नहीं आ रही है, तो अगेन बच्चों के अस्थमा के लिए इपिकैक हमारी एक बहुत बहुत अच्छी दवा है। हमारे न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व में ये काम करता है, तो कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें कि उपकाई आना या वॉमिटिंग होना एक कॉन्स्टेंट फीलिंग बनी हुई है, तो इपिकैक एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है पल्सेटिला। अब पल्सेटिला हमें कब देनी होती है? पल्सेटिला जब खांसी आपकी पुरानी हो गई है और बलगम कैसा हो गया है, पहले सफ़ेद था अभी पीला सा बलगम हो गया है, डार्क कलर का बलगम हो गया है, पुरानी खांसी बलगम गाढ़ी हो गई है, तो येल्लोइश थिक डिस्चार्ज अगर हो रहा है और खांसी थोड़ा सा पुराना हो गया है, तो ऐसे में पल्सेटिला देनी है। दोस्तों पल्सेटिला को कभी भी हमें पहले नहीं देनी है, तो इनिशियल केस में पल्सेटिला नहीं देनी, इसीलिए मैंने दवाइयाँ इस तरह लिखी है कि हमें किस तरह से दवाइयों से शुरू करना है। तो पल्सेटिला हमारा हैवी प्रोडक्टिव कफ, थिक येलो डिस्चार्ज एंड राइप कोल्ड के लिए है, पुरानी खांसी के लिए या जब सर्दी जुकाम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया हो, पुराना हो गया हो, तब हमें पल्सेटिला देनी है। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी ड्रोसेरा। ड्रोसेरा में भी हम देखते हैं कि छाती में बहुत ज़्यादा अकड़न का महसूस होता है और जब लेटते हैं तब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी जब बैठे हैं तो ठीक है बट लेटने पे ऐसा लगता है दिक्कत ज़्यादा हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस फूल रही है, तो लाइंग डाउन में ज़्यादा प्रॉब्लम है, इवन बात करने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो बात भी नहीं कर पाते हैं, ऐसे लग रहा है सांस फूल रही है, तो ऐसे केस में ड्रोसेरा मेडिसिन हम दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी कफ की मेडिसिन स्पेशली बच्चों में। तो सबसे पहले स्पॉन्जिया, फिर र्यूमेक्स, फिर हमारा एंटीमटार्ट, फिर कालीबाई, ब्रायनिया, इपिकैक, पल्सेटिला एंड ड्रोसेरा। इन सभी दवा को 30 पोटेंसी में देना है बच्चों को, और 5-5 गोली दिन में 3 बार करके आप इसको दे सकते हैं, और जनरली खांसी की जो दवा है ये 3 दिन से लेके हफ्ते भर तक दी जा सकती है। दोस्तों कोई भी बीमारी हो इसमें जो अंडरलाइन कॉज है, किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, इसको जानना ज़रूरी है एंड अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट देना है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मेंबरशिप ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूले। डिटेल्स मेंबरशिप के बारे में आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपने किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए, तो दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं, मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से आप डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।